हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फार्मा एग्ज़ाम चैनल पर। दोस्तों, हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज, जो कि 251 से लेके 300 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स के हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर एमसीक्यूज कवर करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं वो सब कवर करते हैं, उनका सॉल्यूशन कवर करते हैं, और साथ में थ्योरी लेक्चर्स भी करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चन इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, ये सब प्रीवियस जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो चुके हैं फार्मासिस्ट के लिए, उनमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो ये होता है दोस्तों थर्मल डेथ टाइम। एक कोई भी टेम्परेचर गिवन है, उस पे हमें माइक्रोब्स को किल करना है, तो जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो वो होता है थर्मल डेथ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग सुचूर्स। सुचूर्स के लिए कौन कौन से मेथड हैं स्टरलाइज करने के लिए, वो दिए हुए हैं। यूज ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, इरेडिएशन प्रोसेस और ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप टू ग्लास कंटेनर्स आर सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोजेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग कंटेनर एट ए टेम्परेचर। पायरोजेंस को किस टेम्परेचर पे, मतलब कि उसका जो कंटेनर है प्रिपरेशन का, उसको कितना हीट करेंगे कि पायरोजन डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो ये 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर, 4 आवर के लिए इसको हीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट। तो ये 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाई हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 डेज। 360 डेज के लिए, मतलब कि अंडर प्रेशर इसको स्टरलाइज किया जाता है हीट में, तो ये टिंडलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंज। मेटल सिरिंज के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मोइस्ट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है रूम्स के, जो रूम्स का जो फ्यूमिगेशन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कोजिज। तो ये क्या कोज करता है, किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील्ड एम्प्यूल्स कंटेनिंग ए थर्मोस्टेबल ड्रग सॉल्यूशन आर कॉमनली स्टरलाइज बाई। तो एम्प्यूल्स होते हैं जो कि उनमें जो कि टेम्परेचर से मतलब उनके अंदर उसका जो ड्रग होता है उसके अंदर इसका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो थर्मोस्टेबल होता है। तो उसका जो हम हीट करेंगे यानी स्टरलाइज करेंगे, तो वो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रीवेशन ऑफ हेपा HEPA। तो ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका जो मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये होता है हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा प्रोपाइलेक्टोन इज यूज्ड एज। तो ये होता है स्टरलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय। तो ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ही इनको स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। बबल पॉइंट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो यह है द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटगट इज स्टरलाइज्ड बाई। कैटगट जो होते हैं उनको केमिकल मेथड से स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन कंडीशन
बाई स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर आईपी इज। तो ये होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोव इज यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ स्टरलाइजेशन बाई मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास डिमिनुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव एबल प्लास्टिक वेयर फॉर रिपीटेड स्टरलाइजेशन इज बेस्ट फैब्रिकेटेड यूजिंग। तो ये होता है पॉलीप्रोपाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाल्क इज स्टरलाइज्ड एट। तो ये कितना इसमें टेम्परेचर पूछा गया है, टाल्क को कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइज किया जाता है। तो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड स्टरलाइजेशन इज। तो ये होती है स्टरलाइजेशन बाई गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म बाई विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाई ऑटोक्लेविंग। तो ये होता है कोगुलेशन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स ऑफ द माइक्रोब्स। जो इनका जो ऑटोक्लेव का जो मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। ये भी आप बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग मेटल इंस्ट्रूमेंट। मेटल इंस्ट्रूमेंट है उनको कैसे मतलब स्टरलाइज करते हैं, तो स्टीम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलकम पाउडर इज मेनली स्टरलाइज बाई। तो ये ड्राई हीट से स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोव्स आर स्टरलाइज बाई। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं ग्लोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये होते हैं यूवी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्डिंग टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज 115 से 118 डिग्री सेल्सियस फॉर। तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड स्टीम इज बेटर हीटिंग एजेंट देन एयर फॉर स्टरलाइजेशन बिकॉज इट हैज। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सैचुरेटेड स्टीम है वो बेटर हीटिंग एजेंट है किससे, एयर से। तो मतलब कि फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये क्यों है, क्योंकि इसमें हाई लेटेंट हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो ये 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज। तो ये होता है बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड मेथड इज अडॉप्टेड इन। तो होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। तो ये होती है स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल सूचर मेटेड रिक्वायर्स इंक्यूबेशन फॉर ए फॉर पीरियड। तो इसमें होता है 14 डेज, यानी कि 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंकेट्स कैन बी स्टरलाइज बाई। तो ब्लैंकेट्स को कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो ये होते स्टेराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनली विच प्रोडक्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप्स में मेनली कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो ये होता है बेंजल कोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव एडिड इन होल ह्यूमन ब्लड। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विच प्रिजर्वेटिव इज एडिड इन होल ह्यूमन ब्लड। तो ये होता है नो प्रिजर्वेटिव, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ आई ड्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। तो ये 30 डेज की इसकी जो आई ड्रॉप्स की जो सेल्फ लाइफ होती है वो
30 days की होती है, यानी 1 month। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज, तो ये होती है 10 parts per million। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल कोनियम क्लोराइड इज ए जर्मिसाइडल सर्फेक्टेंट विच इज रेंडर्ड इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ, तो होते हैं सोप्स में, यानी कि बेंजल कोनियम क्लोराइड की जो जर्मिसाइडल एक्टिविटी है वो सोप्स की प्रेजेंट में सोप्स की प्रेजेंस में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर थिकनिंग एजेंट्स यूज इन आई ड्रॉप्स, थिकनिंग एजेंट क्या करते हैं कि आई जो मेडिकामेंट होता है उसका जो कॉन्टेक्ट होता है आई से, मतलब कि उसको प्रोलोंग कर देते हैं, मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं ये, तो टू प्रोलोंग कॉन्टेक्ट विद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज सोडियम थायोसल्फेट एडिड टू आई ड्रॉप्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल कोनियम क्लोराइड एज ए प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स यूज इन कंसेंट्रेशन ऑफ, तो 0.01% वेट बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर कैप कोटिंग इज यूज फॉर पैकिंग ऑफ ऑप्थल्मिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग, ये ग्रीन कलर कैप कोटिंग होता है ना, ये म्योटिक्स जो आई ड्रॉप आती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट, क्रायोस्कोपिक मेथड आइसोटोनिसिटी के लिए होता है, आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन्स इज द, तो इसमें होता है LAL टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, बफर पीएच मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसिथिन इज एन एग्जांपल फॉर, तो ये होता है अमीन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। टाइप थ्री ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ये होता है पैकेजिंग मटेरियल। तो दोस्तों आज के जो 50 क्वेश्चन थे वो कवर कर चुके हैं हम, तो अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताना इसका आंसर कमेंट में। तो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम थायोसल्फेट एडेड टू आई ड्रॉप्स, तो इसमें ऑप्शंस हैं एज स्टेबलाइजिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज बफरिंग एजेंट या एज व्हीकल, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट में देना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।